मैं हरविंदर कौर, असिस्टेंट प्रोफेसर, पोस्ट ग्रेजुएट पंजाबी विभाग, GGDE SG कॉलेज हरियाणा, जिला होशियारपुर। अज तुहाडे नाल एम ए दे टॉपिक जो तुहानू आधुनिक पंजाबी कविता ऑप्शन पहली विच लग्या है, प्रोफेसर मोहन सिंह नू एक रोमांसवाद कवि दे तौर उत्ते परखो। पहले भाग नू असी कल डिस्कस कीता सी, अज दे अगले भाग नू डिस्कस करांगे। सो प्रोफेसर मोहन सिंह की कल असी गल करते सी, उन्हों अगे तोरते हुए गल करांगे कि प्यार प्रोफेसर मोहन सिंह की कविता विच एक आदर्श जापदा है। उसने प्रीत दा प्रगटा लुकवें अते रवायती ढंग नाल नहीं कीता, बल्कि बेझिझक हो के प्यार दे भावां नू रूपमान कीता है। अपने जीवन दे विशाल अनुभव अते काव्य प्रतिभा करके प्रोफेसर मोहन सिंह बहुपक्षी प्यार दर्शाउण दे समर्थ हो सकिया है। भावे के इसरी प्यार उस दी कविता दा प्रमुख विशा रहा है, परंतु इसे नाल ही उसने मां प्रति प्यार, घर, बच्चे, देश दी आज़ादी, मजदूरां, बेवसां अते अपने अंदर पैदा हुई सारी मनुखता दे दर्द प्रति जज्बियां नू भी दर्शाया है। प्यार दा प्रगटा उस दी कविता विच निजी तजर्बियां उपरंत हासिल होया वेख्या जा सकता है। वह किसी बाहरी सुनी सुनाई गल नू अपनी रचना दा आधार नहीं बनाउंदा, बल्कि खुद जिंदगी दे अनुभवां नू महसूस करके अपने मनोभावां दी पेशकारी करता है। ख्यालां विच ही वह प्यार दे अनुभवां नू महसूस करता है। याद नू कवि उत्तम प्यार दी वसा मंदा है। कोटेशन है, मतलब कवि कहिंदा आ, बुत तेरा सोहणिया मद दी प्याली, नशा इदां जिवे हाली दी हाली, ख्याल तेरे दी प्रभात निराली, पैण ना तारां ढिल्लियां। प्यार दे आरंभ दी वसा नू जिन्नी सुंदरता नाल प्रोफेसर मोहन सिंह ने बयान कीता है, वह अपने आप विच एक विलक्षण गुण हो निबड़दा है। कवि कहिंदा है, भिन्ना भिन्ना हुंदा है मुंड प्यार दा वे अड़िया, एक तकनी तो जिदा वार दा वे अड़िया। प्यार दी अवस्था उस दे अंदर पूरी तरह छाई हुई है। वह अपने आप नू मस्ती विच महसूस करदा है। प्यार उसली नशा है, सरूर है। कवि कहिंदा है कि हाँ निका निका रहिंदा सरूर, ना ही पूरियां होशां सानू, ना मैं नशे विच चूर। प्रोफेसर मोहन सिंह इसरी दे प्यार दा आशिक कवि है। समुची इसरी जात लई उस दे अंदर प्यार दा जज्बा भरिया होया मिलदा है। अपनी कविता नू प्रभावशाली बनाउण लई ते इसरी दी सुंदरता नू बयान करन लई कवि ने अनेकां उपमावां ते अलंकारां दा प्रयोग कीता है। उस द्वारा वरते हुए शब्द चित्रां विच वी इसरी दी बाहुलता मिलदी है। अगर प्रोफेसर मोहन सिंह दी कविता विचों इसरी रूप नू बाहर कढ दित्ता जावे ता उस दी कविता अधूरी रह जावेगी। प्यार विच मिलदे संजोग वियोग दे थीमां नू ही उसने अपनी कविता विच सफल यतन नाल पेश कीता है। मैं नहीं रहना तेरे घरां ना दी कविता विच इस संबंधी एक उदाहरण हैगी प्रोफेसर मोहन सिंह दी। छड दे चूड़े वालिए कुड़िए, छड दे सोने लद्दीए परिए, छड़ दे मेरी मां, मैं नहीं रहना तेरे घरां। सो टॉपिक लंबे होंदे ऐ मेरे, सो अज असी इन्ना ही डिस्कस करांगे, बाकी दी गल जिहड़ी है कि असी गल करांगे। धन्यवाद।